हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अजय यादव एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम किसी फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं बताने वाले हैं, बल्कि आपको ये बताने वाले हैं कि भोजपुरी फिल्म डायरेक्टर, म्यूज़िक कंपोज़र और एक बहुत ही अच्छे राइटर जिनका नाम है रजनीश मिश्रा, उनकी फिल्मोग्राफी कि उन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कितनी फिल्मों में काम किया है, कितनी फिल्में डायरेक्ट की हैं, कितनी फिल्मों को उन्होंने म्यूज़िक दिया है और कितनी फिल्में उन्होंने लिखी हैं। आइए बात करते हैं रजनीश मिश्रा जी के बारे में। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। उससे पहले हम आपको बता दें, अगर आप भी जाना चाहते हैं किसी फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो कमेंट करें या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे फॉलो करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो और वहाँ भी डिमांड रख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं रजनीश मिश्रा जी के बारे में। दोस्तों वैसे तो इन्होंने काफ़ी फिल्में बनाई हैं, लेकिन इनको पॉपुलैरिटी मिली भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से और भोजपुरी फिल्मों से। दोस्तों इन्होंने पहले फिल्में लिखी, उसमें म्यूजिक दिया और आखिरी में उन्होंने फिल्म को डायरेक्ट भी किया। तो आइए बात करते हैं इनके बारे में। तो इन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में टोटल 15 फिल्मों में काम किया है, ऐसे डायरेक्टर और ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर और ऐसे राइटर, टोटल 15 फिल्में हैं इनकी। तो पहले हम बात करेंगे कि कितनी फिल्में इन्होंने लिखी हैं, फिर बताएंगे आपको कितनी फिल्मों की इन्होंने म्यूजिक कंपोज किए हैं और आखिरी में ये बताएंगे कि कितनी फिल्मों को इन्होंने डायरेक्ट किया है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, देखते रहिए एंटरटेनमेंट फॉर यू। पहली फिल्म का नाम है मेहंदी लाल रखना। इस फिल्म में लीड रोल में थे भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी। फिल्म रिलीज हुई थी भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर 2017 को और बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। दूसरी फिल्म का नाम है मैं सहरा बांध के आऊँगा। फिर से काजल राघवानी और एक बार फिर से सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की जोड़ी देखने को मिली इस फिल्म में और इस फिल्म को भी उन्होंने लिखा था। तीसरी फिल्म का नाम है जो कि इन्होंने लिखा था राज तिलक। दोस्तों राज तिलक में लीड रोल में थे भोजपुरी के युवा स्टार अरविंद अकेला, कल्लू जी को स्टार थे अवधेश मिश्रा और सुशील सिंह। ये फिल्म भी रजनीश मिश्रा जी ने ही लिखी थी। और चौथी फिल्म का नाम है जो कि इन्होंने लिखी है मेहंदी लगा के रखना 3। ये फिल्म भी रिलीज हो चुकी है भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पे और काफ़ी कम जगह पर रिलीज हुई है। वैसे भी कोविड के चक्कर में ये फिल्म आपने नहीं देखी होगी और बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये स्टार्ट करते हैं इन्होंने कितनी फिल्मों में म्यूजिक दिया है। पहली फिल्म का नाम है पटना से पाकिस्तान जो कि रिलीज हुई थी भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पे 2015 को। दूसरी फिल्म का नाम है राम लखन जो कि रिलीज हुई थी भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पे 2016 को। तीसरी फिल्म का नाम है बम बम बोल रहा है काशी। चौथी फिल्म का नाम है मेहंदी लगा के रखना फर्स्ट पार्ट जो कि रिलीज हुई थी भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पे 2017 को। पाँचवीं फिल्म का नाम है मैं सहरा बांध के आऊँगा। छठी फिल्म का नाम है दीवानापन। जी हाँ दोस्तों, दीवानापन वैसे तो रिलीज नहीं हुई है और काफ़ी अच्छी फिल्म थी। सातवीं फिल्म का नाम है बॉर्डर। आठवीं फिल्म का नाम है डमरू और नवीं फिल्म का नाम है मेहंदी लगा के रखना 2। काफ़ी अच्छे गाने थे इस फिल्म को और आपने सुने भी होंगे। दसवीं फिल्म का नाम है घूंघट में घोटाला और ये फिल्म प्रेजेंट की थी निरहुआ एंटरटेनमेंट में और फिल्म बहुत अच्छी थी। ग्यारहवीं फिल्म का नाम है राज तिलक। जी हाँ दोस्तों, ग्यारहवीं फिल्म का नाम है राज तिलक। बारहवीं फिल्म का नाम है पत्थर के सनम। तेरहवीं फिल्म का नाम है मेहंदी लगा के रखना 3 और लास्ट फिल्म का नाम है जय शंभू। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने जय शंभू में म्यूज़िक दिया है। फिल्म का ट्रेलर आउट होने वाला है और कुछ दिनों में आपको ट्रेलर देखने को मिल जाएगा और ये है फिल्म की लिस्ट जिसमें इन्होंने म्यूज़िक दिया। आइए हम बात करते हैं कि कितनी फिल्मों को इन्होंने डायरेक्ट किया है और कितनी फिल्में इनकी सुपरहिट हो चुकी हैं। पहली फिल्म का नाम है मेहंदी लगा के रखना फर्स्ट पार्ट जो कि रिलीज हुआ था भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पे 2017 को और फिल्म में लीड रोल में थे भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी। दूसरी फिल्म का नाम है मैं सहरा बांध के आऊँगा। सारी स्टार कास्ट रिपीट हुई थी इसमें मैं सहरा बांध के आऊँगा, लेकिन ये फिल्म उतनी कमाई नहीं कर पाई थी जितने किस फिल्मों से उम्मीदें थी। तीसरी फिल्म का नाम है डमरू और डमरू भोजपुरी बॉक्स ऑफिस बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। चौथी फिल्म का नाम है राज तिलक और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई। पांचवी फिल्म का नाम है मेहंदी लगा रखना 3 जो कि रिलीज हुई थी भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पे होली के मौके पे और आपने देखी भी होगी, हो सकता है नहीं भी देखी हो और बहुत जल्दी देख सकते हैं। दोस्तों ये था भोजपुरी फिल्म डायरेक्टर रजनीश मिश्रा की फिल्मोग्राफी। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी फिल्म के बारे में, किसी डायरेक्टर की फिल्मोग्राफी या किसी फिल्म की लिस्ट, तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।